यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, अलौह धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर होती हैं। अलौह धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर होती हैं, वो कैसी भंगुर होती हैं? यहाँ पे कम की बहुत कम या अधिक या नगण्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो जो अलौह धातुएं हैं वो अधिक भंगुर हो जाती हैं गर्म अवस्था में। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ ये पता चलता है, ये अलौह धातुएं होती क्या हैं। देखिए अलौह धातुएं वह धातुएं हैं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते, बस इतना सा सिंपल स्टेप याद रखिए, लोहे के कण नहीं पाए जाते वह अलौह धातुओं के अंतर्गत आती हैं। या आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसमें मतलब चुंबक अधिकतर उसमें नहीं पकड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड आदि। ठीक है, तांबा, जिंक, लेड, टिन, एल्यूमिनियम, ये सभी। ठीक है, लेड नहीं, यहाँ पे तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, इस लेड आदि, ये सब क्या हैं आपके अलौह धातुएं हैं। और ये धातुएं सॉफ्ट होती हैं, मैलिएबल होती हैं, इनको पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, और ये डक्टाइल भी होती हैं। तो अलौह धातु से आप इतना याद रखेंगे। अब लौह धातु क्या है, देखिए अलौह तो आप समझ चुके होंगे, अलौह क्या है, अलौह मतलब ये समझ लीजिए जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं वो सब हमारी लौह धातुएं होती हैं, जैसे आपका रॉट आयरन हो गया। ठीक है, तो इतना आपके लिए यहाँ जानना जरूरी है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, यह एक गुलाबी लाल रंग की भारी व मुलायम धातु है, दिया गया कथन निम्न में से किस धातु से संबंधित है। तो किस धातु से संबंधित है, अर्थात ये कौन सी ऐसी धातु है जो गुलाबी लाल रंग की होती है। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अच्छा यहाँ तांबा हो जाएगा, यह आप देख सकते हैं। ठीक है, तांबा, ठीक है, ये क्या होती है, लाल रंग की होती है, गुलाबी लाल रंग की होती है। अच्छा यहाँ एल्युमिनियम कैसा होता है, एल्युमिनियम सफ़ेद होता है आपको पता होगा, पीतल हल्का पीला होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये हल्का भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तांबा नामक अयस्क से निकाला जाता है। तो तांबा किस अयस्क से निकाला जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, पायराइट। पायराइट से हमारा तांबा निकाला जाता है। अच्छा यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी पे एक और ऑप्शन दिया है, बॉक्साइट। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम निकलता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसका आंसर तो ऐसे पायराइट हो जाएगा, लेकिन बॉक्साइट का भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, तांबे और विभिन्न अनुपात में मिलकर कई प्रकार का पीतल बनाते हैं। तो यहाँ पे तांबा, तांबे के साथ क्या ऐसा मिलाया जाता है जिससे हम पीतल बनाते हैं, तो ये होता है हमारा जिंक। आपको पता होगा कि मैंने एक सूत्र बताया था कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किन किन से मिलकर बनता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि पिताजी, ठीक है, पिताजी याद रखें। तो पिताजी से क्या होगा कि आप ये पी आपका जो है ये हमारी मिश्र धातु है, यानी पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी है, तो ये तांबा और जिंक से, ता से तांबा और जी से जिंक। तो हमारी ये हो जाएगी जिंक, दूसरी हमारी कौन सी है, जिंक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर होता है आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ कभी कभी आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि आपको जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो जिंक जो है 420 डिग्री सेल्सियस पर, 420 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, या इसे जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 420 डिग्री सेल्सियस। टिन का कितना होता है, टिन का होता है 232 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 232 डिग्री सेल्सियस टिन का जो है गलनांक होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का गलनांक होता है 658, या 658 कह सकते हैं, 660, 650 ऐसे समथिंग, 658 डिग्री सेल्सियस होता है एल्यूमिनियम का गलनांक। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग देखिए हल्के कार्यों के लिए किया, हल्के कार्य के लिए जहाँ जो धातुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वहाँ ये एल्युमिनियम प्रयोग होता है। तो एल्युमिनियम जो है हवाई जहाज़ की बॉडी में भी प्रयोग होता है, बसों की बॉडी में भी प्रयोग होता है, क्योंकि लोड लेके चलना होता है, जितना कम लोड रहेगा उतनी हमारी इंजन की क्षमता और ज़्यादा यूज कर सकेंगे हम लोग सामान ढोने में। लेकिन अगर यदि बस की बॉडी ही ज़्यादा वजन की हो जाएगी तो हमारे इंजन पे भी लोड पड़ेगा, उसी तरह हवाई जहाज़ में यदि एल्युमिनियम की बॉडी नहीं होगी तो उड़ान नहीं भर पाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ बिजली के तार आदि बनाने में भी
हाँ, एल्युमिनियम का यूज होता है। आप जो खंभों में तार होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। एल्युमिनियम किस ऑक्साइड से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का गलनांक मैंने आपको बता दिया 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आज चीज़ें आप याद रखेंगे। और यहाँ से एक चीज़ और बनता है कि जैसे एल्युमिनियम वगैरह कभी क्वेश्चन में दिया रहता है और पूछता है कि किस धातु का, ठीक है, जो है किस अलौह धातु का जो है वातावरण में प्रभाव, वातावरण का प्रभाव किस धातु पर सबसे कम पड़ेगा, तो उसमें भी एल्युमिनियम आ जाता है। तो क्वेश्चन आएगा आगे तो दिखा देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर में, टिन में, कॉपर में निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो ब्रोंज हमारा क्या बनाने के लिए कॉपर के साथ क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो छठवें का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टिन ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिन करेक्ट हो जाएगा, 6 नंबर का। क्लियर है? अब यहाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं। तो बर्तन किसके कारण बनते हैं? तो ये है प्लास्टिसिटी के कारण। ठीक है, अच्छा, यहाँ इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी मैं आपको बता दूँ, प्लास्टिसिटी तो समझ ही गए होंगे, इलास्टिसिटी का गुण क्या होता है? देखिए, धातुओं में जो हमारे किस कोई धातु है, मान लीजिए यदि धातु का वह गुण होता है इलास्टिसिटी, जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वो क्या होता है कि वो अपनी दिशा दशा बदल लेता है। ठीक है, और बल हटाते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। यह गुण स्प्रिंग स्टील में पाया जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग हमारी इलास्टिसिटी के उस पर गुण पर काम भी करती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, सॉरी, ये 7वां है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं, तो ये भी हमारा इलास्टिसिटी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक और था, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको क्या है। टकने, ये 7वें का देखते हैं, ये टकनेस छूट रहा है, टकनेस नहीं है, ये है टफनेस। ठीक है, क्या है? टफनेस। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है 7वें, क्या है? टफनेस है। देखिए टफनेस क्या होता है, तो यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो उसे वह सहन कर लेती है और टूटती नहीं है। ठीक है, बार बार मोड़ा वगैरह जाए तो सहन कर लेती है और टूटती नहीं है, तो इसको ही हम टफनेस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण कौन सा है? तो धातुओं में जो काटने की क्षमता पैदा करता है वो होता है हार्डनेस। हार्डनेस के कारण ही कोई धातु हमारी दूसरी धातु को काटती है। जो धातु ज़्यादा हार्ड होगी वो काटेगी, जिस धातु को, और जो धातु कटेगी वो मुलायम होगी उससे। ठीक है, वो हार्ड नहीं होगी, ये चीज़ है। अच्छा, भंगुरता क्या होता है? भंगुरता मतलब ये होता है कि जैसे धातु पर यदि चोट लगाई जाए या धातु को ऊपर से गिराया जाए तो टूट टूट के बिखर जाए। ठीक है, तो वो हमारी भंगुर धातु होती है, जैसे कास्ट आयरन है हमारी। ठीक है, ढलवा लोहा। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जो मशीनों की क्वालिटी को कम करता है। तो धातु का ऐसा कौन सा गुण है जो मशीनों की क्वालिटी को कम करता है? ये है इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी यदि मशीनों में है तो फिर उसकी क्वालिटी जो है कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। तो विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक किसमें होगी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विद्युत की सुचालकता क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से तांबा। ठीक है, इसमें सुचालकता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और विद्युत का प्रवाह तेज़ी से होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और अगर यहाँ ऑप्शन में मान लीजिए चांदी होता तो सुचालकता सबसे ज़्यादा चांदी की हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। जब ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जब भी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। तो यहाँ जो धातुएं दी गई इनमें से सबसे कम दुष्प्रभाव किस धातु पर होता है? तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मैं अभी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न है,
पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता? देखिए, पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता, वो है कास्ट आयरन। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को ही हम लोग ढलवा लोहा बोलते हैं। इसमें हम इससे हम थोड़ा बहुत भी खींच कर तार नहीं बना सकते, ठीक है। बाकी यहाँ पीतल के भी खींचेंगे थोड़ा, वो बढ़ेगा, एल्यूमिनियम तो बढ़ेगा ही, इसके तार बनाए ही जाते हैं। पीतल हाई कार्बन स्टील है, लेकिन फिर भी इसमें ठीक है डक्टिलिटी मैलेबिलिटी वगैरह गुण जो होते हैं, तो इसकी वजह से ये भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन कास्ट आयरन थोड़ा भी जो है नहीं बढ़ेगा कि हम उससे तार का रूप दें, थोड़ा बहुत फैला लें, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। कास्ट आयरन जो होता है, इसे हिंदी में तो कहते हैं, आपको बता दिया कि ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा, क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। और इसका गलनांक पूछा जाता है, तो गलनांक आप याद रखें, गलनांक होता है 1250 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कास्ट आयरन को, ठीक है। अच्छा, कास्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कास्ट आयरन के गुण। तो कास्ट आयरन में ये गुण होता है कि ये भंगुर होता है, अगर इस पे थोड़ी चोट मारी जाए तो ये टूट टूट के बिखर जाएगा। ये मैलिएबल नहीं होता कि इसके पीट पीट कर चादर बनाई जा सके, ठीक है, और ये ना ही डक्टाइल होता है, ठीक है। इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता, ये भी एक इसका गुण है। इसको पिघलाकर किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया तो जा सकता है, ठीक है, ये इसका गुण है। और इसमें खिंचाव शक्ति कम और दबाव शक्ति अधिक होती है, किसमें, कास्ट आयरन में। खिंचाव शक्ति नहीं होती, लेकिन इस पर दबाव शक्ति बहुत अधिक होती है, इसीलिए मशीनों के जो बेड होता है हमारा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कास्ट आयरन के ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसका गलनांक मैं आपको बता चुका हूँ, इसका गलनांक मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा बता दिया। यहाँ पे देखिए, इसका गलनांक जो होता है वो कितना होता है, ऐसे करीब आप ये समझिए कि एग्ज़ाम में कभी आपको 1150 से 1200 दे देगा, ठीक है, ये भी करेक्ट ही है कास्ट आयरन का। और जो मैंने अभी बताया 1250 डिग्री सेल्सियस से 1350, ये भी करेक्ट है। तो ये सब अलग अलग बुकों में अलग अलग राइटरों द्वारा लिखी गई कुछ मिस्टेक हैं। वैसे मिस्टेक क्या, आप 1200-1300 समथिंग मान के चलिए, अगर एग्ज़ाम में देगा तो इसके आसपास की मेल्टिंग पॉइंट नहीं देगा, ठीक है। वहाँ एग्ज़ाम में आपके इस तरह लिख देगा कि कास्ट आयरन का कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ दे देगा 650, जैसे दे दिया एल्यूमिनियम का 1083 दे देगा, कापर का हो गया ऐसे दे देगा, और यहाँ 1250 दे देगा, यहाँ 1600 दे देगा। तो ये रॉट आयरन का हो गया, ये हमारा कास्ट आयरन का हो गया, कापर का हो गया, ये एल्यूमिनियम का हो गया, तो इस तरह देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा है ये नहीं कि 1250 दे दिया, 1300 दे देगा ऑप्शन में, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, साइन नाइडिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, क्या होता है साइनाइडिंग के अंतर्गत? तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस्पात की सतह का कठोरता बनाने हेतु उपचार द्वारा इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन मिलाई जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी साइनाइडिंग प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, मशीन और गाइड मार्गों की हार्डनिंग प्रायः निम्न प्रकार की जाती है, तो ये किस प्रकार की जाती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वाला कठोरीकरण द्वारा, यानी फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा हमारी मशीन और औजार गाइड मार्गों की हार्डनिंग की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रेरण कठोरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जो होता है 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, नॉब की ऊपरी सतह को कठोर तथा घिसन प्रतिरोधी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात को ऊष्मा उपचार का उद्देश्य बदलना होता है, इस स्टील को हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? इसमें देखिए, स्टील में जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या उसका रीजन होता है, उसके यांत्रिक गुण में परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्टील ढलनों को यांत्रिक गुणों की किस ऊष्मा उपचार द्वारा बनाया जा सकता है? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ एनीलिंग द्वारा, क्या होता है, पृष्ठ एनीलिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न कार्बन इस्पात को कठोर बनाया जा सकता है, तो लो कार्बन स्टील को किसके माध्यम से कठोर बनाया जा सकता है? 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
कार्बोराइजिंग एवं साइनाइडिंग द्वारा। तो ये आप ध्यान रखें, कार्बोराइजिंग एवं साइनाइडिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, निर्मलीकरण प्रक्रिया की जाती है। तो निर्मलीकरण प्रक्रिया की जाती है हवा में, ठीक है, हवा में की जाती है, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको कठोर बनाने के लिए पृष्ठ हार्डनिंग की एकमात्र उपयुक्त विधि है। तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न कार्बन इस्पात। अगला प्रश्न है, वह ऊष्मा उपचार जिसमें स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके भट्टी में ही ठंडा किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है कि इसको एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके भट्टी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो एनीलिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के एक चुने हुए छोटे से हिस्से को कठोर बनाया जा सकता है। किससे ये कठोर बनता है, तो ये है ज्वाला तथा प्रेरण कठोरीकरण द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चोहा लोहा क्या है। तो लोहा क्या है, यहाँ पे 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ, और इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, अल्फा आयरन की क्रिस्टलीय संरचना है। 25 का वी करेक्ट हो जाएगा, बी सीसी संरचना होती है। ढलवा लोहा रखता है, क्या रखता है ढलवा लोहा, तो ढलवा लोहा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यास्थ सीमा भंजक सामर्थ्य के नज़दीक, ठीक है। यहाँ इतनी शुद्ध हिंदी लिखता है कि मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगला प्रश्न 27 नंबर का है, पिटवा लोहा है। देखिए यहाँ पे ढलवा लोहा के बारे में काफ़ी कुछ अभी पीछे वीडियो में बता, अरे पीछे बता चुका हूँ इसी वीडियो में, और यहाँ पिटवा लोहा की थोड़ी बात करते हैं। देखिए पिटवा लोहा, पिटवा लोहा का मतलब होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन मतलब इसका गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रॉट आयरन ये आप ध्यान रखेंगे, रॉट आयरन किस भट्टी में तैयार होता है, तो रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस में तैयार होता है, पुडलिंग फर्नेस में। अगर ये याद नहीं होता तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप पुर याद रखें, क्या पुर, ठीक है, जितने भी गांव होते हैं उसके पीछे पुर नहीं लगा होता, आपको याद होगा, तो ये चीज़ पुर याद रखें, पुर याद रखें, जो भी पुर ऐसे कुछ भी याद रखें, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होगा, पू र, तो हमारा र, रा से रॉट आयरन, और पू से पुडलिंग फर्नेस से याद रहेगा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये जो रॉट आयरन होता है इसमें क्या होता है कि इसमें अशुद्धियाँ नाम मात्र की होती हैं, ठीक है। इसमें 99.8% तक लोहा पाया जाता है। इसमें कार्बन जो होता है कितना, लोहा जो है 99.8% तक होता है रॉट आयरन में, और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 0.15% से भी कम होती है, ठीक है, से भी कम होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, इसमें लोहे की मात्रा 99.8% होती है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से भी कम होती है। इसको शुद्ध लोहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एग्जाम में कभी आ सकता है, शुद्ध लोहा किसे कहते हैं, तो वो है रॉट आयरन, ठीक है। इसीलिए इसमें अशुद्धियां नाम मात्र की होती हैं। इसकी बनावट, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, रेशेदार होता है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस, FIV फाइब्रस होता है, FIV, ठीक है, FIVROUS, ठीक है, फाइब्रस, तो रेशेदार होता है, इसलिए इस बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। इसका गलनांक 1600 मैं बता चुका हूँ। यह बहुत ही मैलिएबल होता है, इसलिए इसकी चादरें वगैरह भी बनाई जाती हैं, इसके क्रेनों के हुक बनाए जाते हैं, पाइपें बनाई जाती हैं, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें डक्टिलिटी का गुण भी होता है, जिससे इसकी तार भी बनती है। और यह हमारा जो क्या कहते हैं, पिटवा लोहा है, पिटवा लोहा फोर्ज भी किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वेल्डिंग भी आसानी से की जा सकती है, इसको हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता, लेकिन केस हार्ड किया जा सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा चुंबकीय होता है, यह बहुत नरम भी होता है, यह बिजली का सुचालक होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि लौह धातु है, और अलौह होता तब भी होती, वो तो एक अलग बात हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पिटवा लोहा क्या है, यहाँ जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, इस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कठोर, उच्च सामर्थ्य में उच्च संरक्षण, उच्च प्रतिरोधी, और यहाँ पे संरक्षण का निम्न प्रतिरोधी। देखिए यहाँ पे थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊँगा,
क्योंकि यहाँ पे पिटवा लोहा क्या है, देखिए इतना सारा चीज़ आप जान लीजिए यहाँ पे, मैं इसका अगर मुझे पता चलता है तो कमेंट में पिन कर दूंगा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। पिटवा लोहा क्या है तो आप पूरा कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको पता है तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गामा आयरन की क्रिस्टलीय संरचना है, तो गामा आयरन की क्रिस्टलीय संरचना है तो ये क्या है, 28 का डी हो जाएगा, फलक केंद्रित घन संरचना। अगला प्रश्न है कार्बन स्टील, क्या है कार्बन स्टील, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर तथा फास्फोरस की विभिन्न मात्राओं सहित लोहे तथा कार्बन की एक मिश्र धातु है, ठीक है। अगला प्रश्न लोहे की संरचना है, तो लोहे की संरचना कैसी होती है, 30 नंबर का है, फेराइट, ठीक है, फेराइट होती है लोहे की संरचना। अगला प्रश्न है घंटा धातु एक मिश्र धातु है जो बनती है, किससे बनती है, ठीक है, तो ये है हमारा 31 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 70 से 75% कॉपर तथा टिन से, तो कॉपर और टिन से बनती है हमारी घंटा धातु, ठीक है। अगला प्रश्न है सल्फर स्टील में क्या होता है, तो सल्फर स्टील में 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीमड़पन को घटाता है, ठीक। अगला प्रश्न गामा आयरन निम्नलिखित तापमान पर प्राप्त होता है, तो 33 का हो जाएगा, कमरे के ताप पर। स्टील में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ स्टील में देखिए, स्टील में क्या होता है, देखिए स्टील 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50% से अधिक लोहा होता है, और यहाँ 35 का ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है, तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, मशीनों की बॉडी किस की बनाई जाती है, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कास्ट आयरन हमारा काफ़ी लोड सह सकता है, इसलिए इसकी बॉडी हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके मेटल के थे, और मैं और भी आगे वीडियोस ला रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, हो सकता है आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी 4-5 प्रैक्टिस सेट करवा दूँ, तो इस चैनल पर बने रहिए। ट्यूबवेल ऑपरेटर का यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, और इस चैनल पर आपके लिए इसरो DMRC RUPI RBNL UPPCL जितनी भी वैकेंसी ITI ट्रेड से आती हैं उनके लिए इस पर क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। और मैंने आपको आज बताया ना कि आपको TTTQ एक नया मैं वीडियो शुरू करूंगा जिसके तहत आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, उसमें डेली आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो ये भी वीडियो आपको चैनल पर मिलने वाली है बहुत जल्द, तो बने रहिए चैनल के साथ। अभी तक चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और बगल में ये बेल वेल का आइकन जो होता है इसको भी ज़रूर बजा दें, ठीक है, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर करें, बस आपकी इतनी हेल्प चाहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।